गुड मॉर्निंग क्लास, सेवेंथ क्लास। आप सब अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गए होंगे, अपने चैप्टर को पूरी ठीक तरीके से अंदर तक पढ़ लीजिएगा सारे। ये नहीं कि आप केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर पढ़ करके छोड़ दीजिए, अंदर का चैप्टर भी आपको डिटेल में पढ़ना है बेटा, ठीक है। चैप्टर में कहीं से भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आपके प्रश्न आपको बता दिए गए हैं किस तरीके के होंगे, एग्ज़ाम की डेट्स भी आ गई हैं। सो ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए बच्चों। पिछले चैप्टर का पीडीएफ आपको भेजा था, उम्मीद है आप लोगों ने अपने काम को कॉपी पर कर लिया होगा, क्लियर है। आप लोग आज नए चैप्टर को शुरू करेंगे, आइए हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, और उसमें हम बाह्य कारक पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने आंतरिक कारक पढ़े थे, आंतरिक जो बल थे उनके बारे में हमने जाना था, और वो बल किस तरीके से काम करते हैं वो हमने पढ़ा था, उन बलों के कारण कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है हमने ये भी जाना था। बल दो तरह के थे, पहला आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल, ये दोनों बातें हम पिछले चैप्टर में कर चुके थे। आंतरिक और बाह्य बल हमें पढ़ने थे, जिसमें से आंतरिक बल को हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया था अपने। आज हम अपने इस चैप्टर में बाह्य बल के बारे में जानेंगे। आंतरिक बलों के कारण हमारे पर्वत, पठार, इन सब का मैदान, इनका निर्माण हुआ था, और भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी क्रियाएं होती थी। आज हम बाह्य बल में देखेंगे कि हमारी नदियां हैं, हिमानी हैं, पवन हैं, समुद्र की लहरें हैं, ये सारे मिल करके, ये बाह्य शक्तियां मिल करके कैसे हमारे धरातल की संरचना को परिवर्तित कर देते हैं या उसमें काट छाँट करते रहते हैं, ठीक है। काट छाँट करके यानी कि समय समय पर उनमें कुछ बदलाव करके ये पूरी आकृति को परिवर्तित कर देते हैं। आंतरिक बल हमने आपको बताया था कि अचानक से काम करते हैं, आप बैठे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब भूकंप आ गया है। और जो हमारे बाह्य बल हैं वो बहुत आराम से धीरे धीरे काम करते हैं। आंतरिक बल जितना ही तेजी में आते हैं यानी आकस्मिक रूप से वो हमें प्रभावित करते हैं अचानक से, बाह्य बल उतना ही धीरे धीरे हमको प्रभावित करते हैं। लेकिन प्रभावित करने का काम हमारे दोनों ही बल करते हैं, हमारे जो बाह्य बल हैं उनके द्वारा भी बहुत सारी आकृतियों का निर्माण होता है। बाह्य शक्तियाँ हमारे धरातल के ऊपर तोड़ फोड़ करती हैं और उनको तोड़ फोड़ करने के साथ में उनसे नई आकृतियों का निर्माण करती हैं। जो टूटे फूटे जो हमारे चट्टानों के टुकड़े होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को हम अनाच्छादन कहते हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूटे फूटे टुकड़ों को इकट्ठा करने को हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन में तीन क्रियाएं शामिल की जाती हैं या सम्मिलित होती हैं। उन तीन क्रियाओं में आपके अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण है, ठीक है। तीन क्रियाएं अनाच्छादन के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी तीन क्रियाएं हैं या ये तीन क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो आप अनाच्छादन का आंसर देंगे। और अनाच्छादन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, तो तीन क्रियाएं हैं, पहली पहली हमारी है अपरदन,
और निक्षेपण। अनाच्छादन के अंतर्गत अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण, इन तीनों क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। ऊंचे ऊंचे जो हमारे भाग होते हैं, जैसे हमारे पर्वत हैं, पठार हैं, उनको ये दोनों क्रियाएं मिलकर के मैदान के रूप में परिवर्तित कर देती हैं, ठीक है। यानी कि अपरदन और अपक्षय मिलकर के मैदान को समतल करने का काम करते हैं। अब आज हम यहाँ अपक्षय को देखते हैं। हम अपक्षय को जानते हैं कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय ऋतु परिवर्तन में या मौसम परिवर्तन के कारण उसका जो प्रभाव होता है, उसके कारण हमारी जो चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं और टूट कर वहीं पर इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को और एक जगह पर इकट्ठा हो जाने की क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में चट्टान अगर टूटती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाती है, ठीक है। टूटने के बाद वो वहीं इकट्ठी हो जाती है। जैसे सपोज करिए ये ब्लैक बोर्ड है, ये चट्टान है एक, अगर ये टूटा तो टूट के यही नीचे इकट्ठा हो जाए, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अपक्षय कहेंगे। इसमें चट्टान का जो टूटा हुआ टुकड़ा है, यानी कि आपके ब्लैक बोर्ड का जो टूटा हुआ टुकड़ा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, वो टूट करके यहीं अपनी जगह पर एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। अपक्षय के कार्य में ताप है, वर्षा है, जल है, पाला है, वनस्पति है, जीव जंतु है और हम भी, हम मतलब कि मानव भी है, जिनका बहुत बड़ा हाथ होता है अपक्षय की क्रिया में। यानी हम भी कोई चीज़ तोड़ते हैं या चट्टान तोड़ते हैं, जैसे कि हमको किसी चट्टान में सुरंग बनानी है तो हम उस चट्टान को तोड़ेंगे और टूट करके वो मलबा वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। अपक्षय हमारा तीन तरह का होता है, जैविक, रासायनिक और भौतिक। ठीक है बच्चों, अपक्षय हमारा तीन तरह का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अब हम भौतिक अपक्षय से शुरू करते हैं। बच्चों भौतिक अपक्षय में क्या होता है, जैसे सूर्य की गर्मी पाकर के दिन के समय में हमारी चट्टानें गर्म होती हैं, ठीक है, उनमें गर्मी हो जाती है और वहीं इसके जस्ट उल्टा या अपोजिट रात के समय में तापमान कम होने पर हमारी चट्टानें ठंडी हो जाती हैं। तो ये जो ठंडे और गर्म होने के कारण हमारी चट्टानें सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। सिकुड़ने और फैलने के कारण चट्टानों में चटकने और टूटने की क्रिया होती है, जिसके कारण हमारी चट्टानें टूट करके वहीं पर बिखर जाती हैं। इस क्रिया को हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। जैसे कि आपने कभी लालटेन, इस समय तो लोगों के घरों में नहीं होते लेकिन पुराने समय में लालटेन होते थे, या कोई गर्म शीशा लीजिए आप, लालटेन का शीशा हो या कोई शीशा हो, यदि वो गर्म है और उस पर अगर आप पानी का छींटा मार दीजिए तो वो चट से चटक जाता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल करके मत देखिएगा, लेकिन अगर आप कांच का गिलास लेते हैं और आप उसमें कोई गर्म चीज़ डालते हैं, जैसे गरम दूध है या चाय है, और उसके बाद उसको तुरंत निकाल करके उसको ठंडे पानी के नीचे रख देते हैं तो वो ग्लास चटक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारी चट्टानें चटकती हैं और टूट करके वहीं पर बिखर जाती हैं, इस क्रिया को हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की।
रासायनिक अपक्षय में क्या होता है बेटा कि हमारी जो चट्टानें होती हैं उनमें बहुत तरह के केमिकल्स या रसायन पाए जाते हैं, ठीक है। वो रसायन जब पानी के साथ मिलते हैं और उनके संपर्क में आते हैं तो उनके कारण चट्टानों को नुकसान होता है और चट्टानें टूटने लगती हैं, ठीक है। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को, रासायनिक क्रिया द्वारा टूटने को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैसे सपोज करिए लोहा है, लोहा जब पानी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर जंग लगती है और जंग लगने के कारण वो धीरे धीरे चिटक चिटक कर अलग होने लगता है। इसी तरह से चट्टाने भी हैं, इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।